हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज सोसाइटीज के बारे में। जी हाँ, एडमिशन लेने से पहले आपने कभी ना कभी या फिर एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपने ज़रूर सर्च किया होगा कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं या फिर आप कौन कौन सी सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, क्या आपका थोड़ा सा जो नुकसान होता है वो क्या है, ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अभी आप सोसाइटी जैसे ऑनलाइन मोड पे आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं स्टार्टिंग में, तो आप सोसाइटीज़ कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इस पूरी वीडियो में मैं यह आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। कॉलेज सोसाइटीज में आपको बेसिकली सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी में सीनियर्स जो होते हैं, जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे कि मैं हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ, तो डिबेट से रिलेटेड जो हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, आपका एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, और आपकी वो स्किल जो है पर्टिकुलर, अगर आपने डांस सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया है तो आपकी डांसिंग की जो स्किल है वो और ज़्यादा इन्हेंस होती है। जी हाँ, तो आप सोसाइटी में बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा और अच्छे से अपने एफर्ट्स डालिएगा। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप सोसाइटी में ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप पढ़ाई में लैग करें, क्योंकि आप अब कॉलेज में हैं एंड इस पॉइंट पर आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। इसके बाद अगर और कुछ बात करी जाए तो सोसाइटीज़ आपके CV में एक स्टार लगा देती हैं। जी हाँ, जो कि आपकी जॉब में आने वाले, आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नुकसान में बस वो एक ही पॉइंट आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ना सारा का सारा काम अपने सर पे ले लेते हैं कि ये भी मैं करूँगा, वो भी मैं करूँगा, और वो अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ आप बस मत करिएगा, पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स्ड रखिएगा कि मुझे इतना टाइम देना है और स्टडी मेरी प्रायोरिटी है या फिर ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी है, ये डिपेंड कर सकती है कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो और मतलब आपको बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। अब मैं ये बताती हूँ कि अभी जैसे ऑनलाइन मोड पर आप सोसाइटीज़ को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो बहुत जल्द आपके ऑफिशियल ग्रुप्स बनेंगे कॉलेज के एंड उसमें सीनियर्स जो है वो मैसेज आपके डाल देंगे और आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है एंड उसके बाद आपके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके ऑडिशंस कब होने वाले हैं। अब ऑडिशंस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होंगे या तो जूम पे होंगे या फिर गूगल मीट पे होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लासेस चलने वाली है। जैसे हमने लास्ट ईयर जब अपनी व्यागा जो हमारी हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी है उसका जो ऑडिशन दिया था, उसमें हमने क्या किया था, कुछ सोसाइटीज़ के ऑडिशन हो सकते हैं, कुछ के इंटरव्यू हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी के ऊपर। हमने उसमें क्या किया था, हमने एक टॉपिक एक म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि हमें ये टॉपिक देना है। अब स्टूडेंट्स उसके फेवर में बोल सकते हैं या उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। फिर जूम कॉल पे हमने सबके सुने, जिनके पॉइंट्स हमें ज़्यादा अच्छे लगे, जो हमें लगा कि हाँ ये अच्छे हैं, हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। एज सिंपल एज दैट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपसे बहुत कुछ बड़ा करवाया जाएगा, मतलब बहुत बेसिक्स आपका ऑडिशन, बहुत बेसिक्स आपका इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें मेन क्या देखा जाएगा कि जो भी सोसाइटी है उसकी स्किल आपके अंदर है या नहीं है। जैसे कि अगर आप डांस सोसाइटी को ज्वाइन करने वाले हो तो वो ऑब्वियसली ये देखेंगे कि आपको डांस आता है या फिर नहीं आता, आप बिल्कुल बिगिनर तो नहीं हो उस चीज़ में। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के तैयार होना है, बस आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा और ये चीज़ देखी जाएगी कि आप कैसे हैं। जी हाँ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है ऑडिशंस और इंटरव्यूज़ में। जस्ट बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतनी सोसाइटीज़ के इंटरव्यूज़ दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस एक ही सोसाइटी का इंटरव्यू दे सकते हो, फिर जिसमें आपका सिलेक्शन हो रहा हो या फिर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।